मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, मामा वापस आ रही हैं आउट ऑफ स्टेशन। मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्डर पे करते हैं, मैं बताता हूँ बाकी बात है। अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। ये जनियाकी से ऑर्डर आया है, इसकी पेमेंट पहले मैंने ऑनलाइन कर दी थी। दो डिफरेंट मैंने फूड पांडा के रेस्टोरेंट से टूर। ये मेरा गोप्रो का ये बाहर क्यों पड़ा हुआ है? ये मेरा ख्याल है बाबा की गाड़ी में पड़ा हुआ, तो बाबा मामा को लेने गए हुए हैं फैसल मूवर। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको जाके पिक करता, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा जाके पिक कर लें। तो अब वो रात के टाइम 7 बजे, तो वो कह रहे हैं, मुझे फ़ोन आया कि मैं पहुँच गया हूँ ना फैसल मूवर फैज़ाबाद, तो घंटा लग जाएगा उनको वापस आते आते भी। तो 8 बजे तक मतलब वो आएंगे, तो फिर उस वक्त खाना बनाना और फिर वो बड़ा ऑफिस ही बात है। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। मामा को प्रॉन्स और सी फूड इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना प्रॉन्स और चिकन, चलो जब ये खोलेंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी जनियाकी की मज़े की होती हैं फिश एंड चिप्स, जनियाकी स्टाइल डायनामिक प्रॉन्स। ये दो चीज़ें मैंने ये ऑर्डर की, और एक और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने वो भी पैकेज मेरा ख्याल 10-15 मिनट में आ जाएगा, फिर ये मामा पापा के सामने खोलेंगे। मैंने कोई आधा घंटा ही हुआ यार खाया अभी, तो इसलिए आई थिंक उनके साथ ही मैं खाऊंगा। अब इसको भी नहीं खोलता कैमरे के अंदर। देखें अब यार घर के व्लॉग्स में यही चीज़ें अभी आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको ये देखने को नहीं मिलती, तो जब तक बीमार पड़ा हूँ घर में तो आप ये चीज़ें देख सकते। ये मेमोरी कार्ड निकाल लिया के अंदर, मेमोरी कार्ड डाल के तो उसको हम मैं चाहता नहीं था ना कि आप लोग आए तो ना आया वो उसके साथ। हाँ अच्छा किया। और हाँ वो चिकन फ्राइड राइस मंगवाए हैं। अच्छा हाँ मैं चोरियन के साथ राइस, बाबा ने तो कहना मेरा मैं वो ले आऊं टेबल इसमें चावल हैं, इसके अंदर ये नूडल्स ही हैं, ये वाले प्रॉन्स भी हैं इसके अंदर, ये प्रॉन्स भी हैं इसके अंदर। अच्छा। बहुत टेस्टी, ये बेशक ये अलग दूसरे पैकेट निकाल के प्रॉन्स खा ले। नहीं ये मैंने दूसरा एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, फूड पांडा से अच्छी रेटिंग थी मैंने मंगवाया है। और ये मंचूरियन इस पर डाल के खाया होगा, ये मंचूरियन वो डाले ना, ये ना चिकन फ्राइड राइस प्रॉन होंगे, ये प्रॉन इस चक्कर का तो नहीं होता, चिकन होगा, चिकन हो। हाँ ये ढाका चिकन है, वाह 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 मुझे याद आ गया, ये बल्कि ढाका चिकन मैंने अलग से भी मंगवाया है, मुझे ये बहुत पसंद था, ये मैंने खाया था हबीबी रेस्टोरेंट से एक दफ़ा। एक सेकेंड इसमें जरा देखें हम ढाका चिकन अलग से, मामा ढाका चिकन है वो दूसरा, बस एक चिकन फ्राइड राइस की अलग से पैकेट होगा। अच्छा एक ये है बस, चलें फिर कल खोल रहे हैं फिर देखेंगे। आपने क्या खाना बच्चे? मैं तो ये मंचूरियन का खाना है तो हाँ चावलों पे डाल के खाना तो है। नहीं मैंने पूरा एक वो खाया है चिकन फिले और वो फ्राइज वाला, तो अभी अभी खाना या ठहर के खाना? मैं थिंक ठहर के खा लूंगा अभी, चल नहीं अभी अंग्रेजी चल रही है तो कांटे चाहिए होगा आपको। पूछता है यहाँ पे प्रोटोकॉल में जाऊँ? अच्छा पूछ के सब कुछ करता है, क्या करना चाहिए मुझे कौन सी प्रोटोकॉल में? क्योंकि अगर TCS करना है चेंज करना है तो वो हो जाएगा फिर जल्दी। हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कंबल के अंदर घुस गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत डिसेंट है। असल में आफ्ताब ने अपनी उसकी फैजान की खरीदी थी, ये डिसेंट मतलब ड्रेस के साथ है ना, अच्छे ड्रेस के साथ। हाँ मतलब ये इनके कोट भी नहीं है, बेसिकली कोट ही है, इसके नीचे सलवार कमीज भी पहन सकते हैं आप, इसके नीचे पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। आप जो वेस्ट बता रहे हो उस पे ये वाला साइज सही है, उसने खुद बोला था। चेस्ट 44 जी, उसका 44 था ना। अच्छा तो सेल्समैन बड़ा अच्छा, असल में आफ्ताब लोगों ने उधर से बहुत शॉपिंग, ज्यादा नहीं आते बल, नहीं नहीं कोई बल नहीं है, अच्छा साइज है, सेट साइज है, बैग से भी दिखा लग रहा है मेरे लिए बना क्या। जी जी वहाँ चीजें ऐसी ही थी, उसकी भी ली है ना अपने कोट शॉर्ट और जैकेटें उसके फैजान की, ठीक हो गया माशाल्लाह। बाल भी सेट कर लूं तो अच्छा कोट, बाल तो अच्छे सेट नहीं है आपके। बीमार हूं ना मैं, मुझे बीमार है आप, टेस्ट करा के आया हूं। हां जी हां जी बीमार है, कलर भी अच्छा है ना, बहुत डिसेंट कलर है। हां जो बेस्ट था उनमें से वही लिया, चलो अब दूसरा ट्राई करो। वो भी इसी तरह का आ रहा है, मैं दूसरा देखते हैं। सरप्राइज जाना चाइना ही है सब बाबा, ये मैं और आप मिक्स करके पहन सकते हैं। हाँ मैंने यही कहा था साइज ऊपर नीचे होगा, नहीं जब जान जब फैजान की लाए इसी तरह का, और वो आफ्ताब ने भी पहना भी शादी के दिनों में, वो लूज होता है ना, तो आप इस तरह का कोट पहन ये हाई नेक्स के ऊपर भी कितना अच्छा लगेगा, सब चीज पे बस कंट्रास्ट बनाते रहे, उसको भी ट्राई करें।
इसको भी ट्राई कर, वैरायटी देखो। तो वो देखने गए थे कि वही ले लेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई और कलर। तो वो चीज़ सबसे पहले फिनिश हुई हुई थी, इन्होंने शादी के दिनों से पहले लिया था ना चीज़ें, कोट शोट। कल खैर आफ्ताब का भी एक कोट बड़ा प्यारा लिया है, उसकी भी शॉपिंग हुई है कल। हाँ आप बच्चों की तो पहले हुई थी, उसकी इसमें ब्राउन कलर ले दिखाओ पहन के, उसकी इसमें इसी टाइप की, चलो पहन ये कोट स्टाइल जैकेट आफ्ताब, ये वाला जो गला था यही था उसका भी, आप देखना अंदर की शॉपिंग के साथ मैच कर रही, बहुत मैच की, ये कलर तो करता ही है सबके साथ। इसका कॉलर आप देखो ना कैसा मजे का। हाँ जी, इसको भी साइज चेक करो सबसे पहले, ये पापा को दिखाओ, मुझे तो इसका कॉलर बहुत अच्छा, कोट है प्योर, इसमें जिप नहीं है, कोट स्टाइल जैकेट है, जिप नहीं है इसकी लाइनिंग, नहीं नहीं ये कोट स्टाइल जैकेट जिप है। अच्छा बंद करो, साइज मुझे लग रहा है चेस्ट वेस्ट चेक करो, ये इसका थोड़ा सा जो है ना शोल्डर मुझे टाइट है, तो फिर एक साइज बड़ा होना चाहिए ना, टाइट नहीं है लेकिन वो ज्यादा ऐसे जमीन थोड़ा सा, ये डिफरेंट स्टाइल की है ना। अब ये मेरी बात सुने, अब अल्लाह से दुआ करें कि सर्दियां दो चार महीने और एक्सटेंड करवाएं, हैं अभी चीजें, अभी आगे से जनवरी तो आएगी, एक दो महीने सिंपल हाई नेक हर एक के ऊपर, दो दिन चार दिन बाद नहीं, अब वो खाली होगा, अब खाली होगा हमारी नहीं, अब स्नोफॉल अब खत्म हो गई है ना, अगले हफ्ते अब खत्म हो गया, गाड़ियां निकाल दी हैं। वो जो सारी आप जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पे गाड़ियाँ साफ होके पर खुश्क होती हैं, ठीक है, सारे लोग उनको खुश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये देख रहे हैं गाड़ियाँ सारी लगी हुई हैं पर नंबर के लिए कि भाई यहाँ से आगे सफाइयाँ होनी है, और वो सर्विस स्टेशन है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं गाड़ी को उस तरफ करके लगा लेते हैं, किधर करके लगाया जाए, यार आपका भाई अभी भी जिम से आया है, इवन तो हिम्मत नहीं थी, और बाबा वही कह रहे थे कि ना जाओ आए एक दो दिन और रेस्ट कर लो, थोड़ा रिकवर हो जाके फिर चले जाना। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो हॉस्पिटल जो है ना वो जिम ही है, थोड़ी रिकवरी जिम जाके होगी, तो वर्कआउट करने से। अब ये कि ऑलमोस्ट आधा आधा वर्कआउट किए यार, उतना ज़्यादा ना तो सेट्स किए हैं, ऑलमोस्ट टाइम उतना ही लगाया, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट इट वॉज उसकी इंटेंसिटी आधी थी तो ये सीन है। अब बैठ के मैंने एडिटिंग करनी है, नहा धो के खाना छाना खा के एडिटिंग करने बैठूंगा, फिर व्लॉग में आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है ना। और ये आपके भाई ने चादर भी निकाल ली है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसी ठंड होती है तो बंदा कहता है यार कि क्या वो स्वेटर पहनो उतारो, स्पेशली वज़ू के टाइम, तो ये चादर वाला सिस्टम बड़ा आसान है यार, बहुत मतलब ही मैं कहता हूँ। हाँ इसको अतर भी मैंने लगाया, बल्कि नमाज के पास थोड़ा सा और अतर लगाते हैं ताकि इस चादर में से भी अच्छी अच्छी खुशबू आए, ठीक है ना। बल्कि एक और मेरे पास चादर है जो कि बाबा की कैमल फर की है, जो आई डोंट नो क्या है, लेकिन बहुत हैवी है यार, मतलब वो चुभनी शुरू हो जाती है, इतनी वो गर्म है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, वो इससे साइज़ में भी बड़ी है, तो वो सॉर्ट ऑफ कम्बल है ना, पूरा हैवी भी है, तो प्रॉब्ली इसको मैं तय करके वो ले लूँ, लेट्स सी क्या करना है। ओह यार ठंड है भाईजान, ठीक ठाक नहा के निकल आया आपका भाई, और ऑयल लगाया था ना बालों को, वैसे सॉफ्ट हुए हैं शैम्पू के बाद, हालांकि अभी सोने का टाइम है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी वही हाईनेक निकाल के और पैंट पहन ली है, क्योंकि अभी हमने काम करना है, दिस इज आर सॉर्ट ऑफ ऑफिस टाइम। खैर इतर लगाएंगे, अतर इतर अतर, ठंड है और बीमार ना हो जाए हम, हुई हुई हुई। आप लोग ये स्वेटर स्वेटर प्रेफर करते हैं या इस तरह की कुछ अदर टाइप चीज प्रेफर करते हैं? इन्विक्टा का यार इतना इतना प्राउड फील होता है ना, जब आपके अपने ब्रांड का कुछ भी, कोई भी उसकी पैकेजिंग, कोई उसका कार्ड, एनीथिंग, व्हेन यू सी इट यू जस्ट फील गूज पंप से फील होते हैं। इंशाल्लाह इन्विक्टा इज कमिंग बैक इंशाल्लाह। ये बाकी चीज़ों को बाद में आके सेट करेंगे, पहले कुछ खाना शाना खा लें, देखते हैं क्या करना है हमने। ये देखें इन्विक्टा का हैंगिंग लेबल, ओए होए होए, मतलब कि यार स्वैग एंड नहीं है, एंड नहीं है भाई, एंड। आई कांट वेट टू सी वेयर दिस थिंग गोज इंशाल्लाह। आए खाना खाते हैं जाके, मोबाइल को उठा लें, बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई है या क्या किया जाए, उठा ही लेते हैं यार,
खा ही लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाएँ आके, उसके बाद फिर वीडियो अपलोड करनी है। क्या टाइम हो गया? वो तेरी 9 तो बज ही गए यार, 10 बजे तक मैक्सिमम मुझे करनी चाहिए। बताऊँ ये तो इतने बल्ब हैं बड़ी, ठीक है बस एक लाइट ऑन रहने देते हैं और चलते हैं अब हम नीचे खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको जब आऊँगा ना फिर ऐसे एक ऊपर से खींच, बेशक आप ना कैंडिड खींचती जाए, आप कैंडिड खींचती जाए, ये भी ये कैंडिड आप बटन दबाती जाए। एक खींचे आप, मेमोरी फुल कर दी होगी आपने, तो आप डिलीट करेंगे ना जो अच्छी नहीं होगी। असल में ना ये जो एंगल सही नहीं है। अच्छा बता दो एंगल, उस एंगल पे कर लेते होना, तो फ्रंट ही चाहिए, साइड से तो नहीं आते। थोड़ा सा नीचे से आता है ना एंगल, नीचे से तो अब मैं बैठ गई हूँ ना, लाओ अब नीचे वाला देख लें, दो वो कैट आई वाला एंगल होता है ना, मैं देख लूँ बाकी आगे। लाओ इस तरह का, अब मैं जो इधर हो गई हूँ देख लेते हैं, एक दो खींच के, दो खींच के आपको दिखा देती हूँ। हाँ एक सेकंड देख लो, अगर खाना ना ठंडा हो जाए पहले, खाना खाते हैं ना। हाँ चावल के वाले चावल डाल लो, इसमें से बोटियाँ भी डाल, खाते हैं मुझे सिर्फ हैं। हाँ बाबा ने खाए, आपने अभी और थोड़ा खाना है। अच्छा जी आए, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि क्या खा रहे हैं हम लोग। आ जाए ये जो कल हमने खाया था, ये आप खा लो, मैंने इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, मंगवाया ही इसलिए था, मजा आता है। दो तीन दिन इस तरह बंदा खाता है, मजा आता है, मजे मजे के। ये चिकन मंचूरियन नहीं, ये नॉर्मल वाले हैं, फ्राइड हैं, एग फ्राइड राइस है। अच्छा वो वाले, अच्छा अच्छा वो भी थे, वो चिकन फ्राइड थे। अच्छा अच्छा ऐसे वो भी थे, एक पैकेट अभी ख़त्म हुआ है, थोड़ा पहले आपको दिया फिर बाबा ने खाया, एक पैकेट खत्म हुआ, एक पूरा खाया भी। अच्छा इनके मंचूरियन का मुझे वो मज़ा नहीं आया। अच्छा जो उसका होता है वोक, वोक का एशियन वोक का नहीं, एशियन वोक नहीं, जो यहाँ पे था PWD में चाइनीज रेस्टोरेंट। अच्छा PWD वाला, अच्छा अच्छा उससे अच्छा बच्चा एशियन वोक है, एशियन वोक का है। हाँ तो इनका मुझे वो फ्लेवर नहीं आया। आप ही ले लो, ट्राई कर लो थोड़ा, ये बहुत है। एडिटिंग खा रहा था बहुत भाई, अब मेरी हालत तो पैदन ठीक ठाक ख़राब हो गई है, आपको मैंने बताया था जिम के बाद हालत, शुक्र है किसी तरह मैंने एडिट कर लिया ये वाला व्लॉग आप लोगों के लिए। और ये आप लोगों का भी मैं कहता हूँ कि एक स्पेशलिटी है कि आप लोग, मतलब मैं बाहर नहीं कहीं जा सक रहा, मेरे घर की रूटीन की जो चीज़ें हैं, बीमार बंदे को, और बाकी बातों को छोड़ दिया यार, आप जो है ना आप एक बीमार बंदे की रूटीन देख रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा सलूट तो एक लाइक तो आपके लिए बनता है। अगर कोई सब्सक्राइब बटन अगर आपका है तो मैं उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ, और मैं आपको आप लोगों के दिल को मैं लाइक दबा देता हूँ कि यार मतलब एक बंदा घर की रूटीन दिखा रहा है जो कि बीमार पड़ा है, लेकिन आपको फिर भी वो वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये कोई आप लोगों का कमाल है, आप लोगों की आँखों में कोई कमाल है, आप लोगों के दिल में कोई कमाल है, बस इतना मैं कहूँगा। खैर बाकी शुक्र अपनी जगह यार, अब इस वीडियो को, इस व्लॉग को मैं रैप करता हूँ, क्योंकि जो ये मैं एडिट कर रहा हूँ ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त आप जो सुन रहे हैं, ये भी मैंने इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल के तो ये पे कंप्यूटर में डालना है, ताकि ये मैं एडिट करके इसको जोड़ूँ और फिर मैं जल्दी से आप लोगों को दिखाऊँ, और फिर मैं ताकि आप लोग देखें, ठीक है। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।